हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सब लोगों का वाइज ज्ञान चैनल के ऊपर। मेरा नाम है सुधांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर जो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड है। मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड एक जजमेंट ऑलरेडी विकास सर ने बताया है, तो यदि आपको वो जजमेंट देखना है तो वाइज ज्ञान चैनल के ऊपर जाएं और इसे देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनिंदर जीत सिंह बिट्टा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसका जो जजमेंट डे था वो था 7 फरवरी 2012। जिन्होंने पेटिशन दाखिल की थी वो थे मनिंदर जीत सिंह बिट्टा, और जिनके खिलाफ पेटिशन दाखिल की गई थी वो था यूनियन ऑफ इंडिया, मींस गवर्नमेंट के ऊपर ये पेटिशन दाखिल की गई थी। बेंच के ऊपर ये सारे जजेस का नाम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो याद करने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे एक चीज और बता दूं जजमेंट लेक्चर के सीरीज के ऊपर कि इसको बिल्कुल कहानी के तौर पे पढ़ें। एक कहानी के तौर पे यदि जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर क्या चीजें थी जो जानने की हमें पहले जरूरत है मनिंदर जीत सिंह बिट्टा जी के केस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। यह 28 मार्च 2001 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट या नंबर प्लेट के ऊपर, HSRP के इश्यूएंस और फिक्सेशन के ऊपर। इसको कैसे इशू किया जाए, इसका टेंडर क्या होगा और इसको फिक्स कैसे किया जाएगा। तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्हें बताया गया कि HSRP कस्टमर को प्रोवाइड करना है डीलर के थ्रू, और इसके अंदर वो सारे मोटर व्हीकल्स आ रहे थे जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अंतर्गत हैं। तो मोटर व्हीकल्स क्या होते हैं वो आप डिटेल में सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 में पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको जस्ट एक बेसिक बता दूं। जो इंजन के द्वारा चलने वाली जो भी गाड़ियां हैं हमारी, जो रेल रोड पर नहीं चलती, एक फिक्स रोड पे जैसे रेलगाड़ी, ये मोटर व्हीकल नहीं है। ठीक है, और इस टाइप से जो भी गाड़ियां, अब जैसे कोई आपसे ये भी कह सकता है कि बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी मोटर व्हीकल नहीं है। तो बैलगाड़ी के ऊपर हमें ये नंबर प्लेट नहीं लगाना है। क्या हमें ये मोटरसाइकिल के ऊपर लगाना है, तो नहीं, मोटरसाइकिल के ऊपर के लिए दूसरा सब सेक्शन है। तो ये हमें केवल मोटर व्हीकल के लिए लगाना है। अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड क्या था, किस स्टैंडर्ड के थ्रू ये नंबर प्लेट हमें लगवाना था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए नोटिफिकेशन 6 दिसंबर 2018 को जारी किया था कि किस स्टैंडर्ड के ऊपर ये हमें नंबर प्लेट लगवाने हैं। हालांकि इसके बारे में मैं आगे वीडियो में आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बस अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि 2001 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था और इसके ऊपर रिट पेटिशन फाइल किया गया एसोसिएशन ऑफ नंबर प्लेट के द्वारा, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पेटिशन फाइल किया। रिट पेटिशन क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ऑफ इशू सच नोटिफिकेशन एज वेल एज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ टेंडर प्रोसेस। जो टेंडर प्रोसेस है और जो नोटिफिकेशन है, इन्होंने रिट पेटिशन फाइल किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं होना चाहिए। और इस टाइप के और भी रिट पेटिशन फाइल किए गए थे हाई कोर्ट में। तो कोर्ट ने क्या किया, सारे रिट पेटिशन को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और ये बताया कि एप्रोप्रिएट डायरेक्शन से ये इंप्लीमेंट तो होना ही है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि इस टाइप के नोटिफिकेशन वो इशू कर सके। एक उसके बाद एक चीज हम जान लेते हैं, ये रिट क्या होता है। तो रिट के बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो, हालांकि यदि आप कहोगे तो हम वीडियो भी बना देंगे इसके ऊपर। किंतु रिट जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है, मतलब जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर है उसी को हम रिट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखते हैं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होते क्या हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये गुजरात नंबर के रजिस्ट्रेशन प्लेट का पिक्चर है, और इसमें सबसे ऊपर एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम चक्र है, जो चक्र का इमेज है वो है,
और इसे हटाया नहीं जा सकता। इसके कुछ फीचर्स है जो यहाँ पे लिख रखे हैं, इसे हटाया नहीं जा सकता और इसमें रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होते हैं। इसके नीचे एक लेजर नंबर होता है जिसे हम परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं और ये कम से कम 10 डिजिट का होता है और इसमें सारे व्हीकल के जो डिटेल्स हैं आपके गाड़ी के चेसी नंबर वगैरह सारी चीजें इससे लिंक होती हैं। अब देखते हैं कि ये प्लेट क्या है। इस प्लेट के ऊपर ये देखिए सिक्योरिटी फीचर हॉट स्टैम्प फिल्म लगा होता है जो जिसका सिक्योरिटी फीचर्स है टू हॉट स्टैम्प लेटर एंड न्यूमेरिकल्स और IND नेशनल आइडेंटिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये IND लिखा होता है यानी इंडिया के लिए ये स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। और ये स्नैप लॉक लगा होता है। स्नैप लॉक का फीचर क्या होता है, ये एक बार लग गया तो इसे रीयूज नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि आप यदि एक गाड़ी में नंबर प्लेट लगा रहे हैं उसे खोल के आप दूसरी गाड़ी में लगा दें। उसके बाद देखते हैं और एक थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क होता है। ये थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क नंबर प्लेट पे नहीं बल्कि ये पेस्ट किया जाता है विंडशील्ड पे, ठीक है। और ये जो थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क होता है ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, यदि एक बार आपने इसे निकाल दिया तो ये दोबारा नहीं लग सकता है, ये खराब हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जजमेंट के बारे में देखते हैं। तो ये जजमेंट क्या था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था ये सारे सेक्शंस आपको लिख रखे हैं इसके अगेंस्ट, जिन्होंने ये बताया था कि कैसे रेगुलेट किया जा सके इशू और फिक्सेशन के लिए नंबर प्लेट्स के, ठीक है। तो ये कुछ हाईलाइट मैंने कर रखे हैं ब्लू कलर से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप यदि स्किप करना चाहें तो ये सारी चीजें स्किप कर सकते हैं और यदि इन केस आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2001 में 22 अगस्त को कुछ ऑर्डर जारी किए जिसमें मैन्युफैक्चर सप्लाई और फिक्सेशन सारी चीजें अवेलेबल थी कि कैसे इसे करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने इस रूल को फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से ये रिट पेटिशन फाइल किया गया। रिट पेटिशन, ये करंट रिट पेटिशन जो हम पढ़ रहे हैं ये उसका नंबर है और जिसका टाइटल मनिंदरजीत सिंह बिट्टा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। अब कुछ दिक्कतें जो थी वो क्या थी इस रिट पेटिशन के अनुसार, वो ये थी कि HSRP की जो स्कीम है वो किसी भी स्टेट में लागू नहीं की गई है मेघालय को छोड़ के, और सारे स्टेट जो पुराने प्रोसेस है टेंडर के जो पहले हुआ करते थे इस ये 28 मार्च 2001 के नोटिफिकेशन से पहले वही फॉलो किए जा रहे हैं। इसी वजह से पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये रिट पिटीशन फाइल किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा। तो कोर्ट ने ये कहा कि आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड है और इसके ऊपर जो भी नेसेसरी डिसीजन है वो लिया जाएगा और नेसेसरी डिसीजन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है वो 6 महीने के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करना है जिस दिन का फर्स्ट रिट पिटीशन कोर्ट में गया था। लेकिन कोर्ट के जजमेंट के बाद भी बहुत सारे स्टेट्स इसमें फेल कर गए और उन्होंने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने 6 वीक का एक्स्ट्रा टाइम दिया कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन के पहले। अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन का क्या मतलब है, जैसे इन केस कई सारे कोर्ट के ऑर्डर फॉलो नहीं होते हैं तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाता है, इस टाइप की चीजें, तो ये सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिडिक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो 6 वीक का एक्स्ट्रा टाइम दिया स्टेट को कोर्ट ने। इसके बाद भी कई सारे स्टेट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसके बाद कोर्ट ने सो कॉज नोटिस इशू किया ऑफिशियल्स को और उनसे पूछा कि आप हमें बताएं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 आपके ऊपर क्यों नहीं इनिशिएट किया जाए और यदि आप गिल्टी पाए जाते हैं तो आपके ये कॉस्ट आपके
आपसे रिकवर क्यों नहीं किया जाए। और ये पूछा गया था जो डिफॉल्टर स्टेट थे उनके सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और स्टेट ट्रांसपोर्ट एजेंसी के जो कमिश्नर थे उनसे। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और ये जो डायरेक्शन था इसके अकॉर्डिंग जो ऑफिसर्स थे डिफॉल्टिंग स्टेट के, 2,000 रुपए हर एक के ऊपर ये फाइन लगाया गया। और हरियाणा स्टेट के ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लगा था क्योंकि इस ऑर्डर के ऊपर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया था अभी तक। ठीक है, हरियाणा स्टेट ने कोई भी काम नहीं किया था, बाकी जिन्होंने काम किया था पर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए थे उनके ऊपर 2,000 रुपए का फाइन लगा था। उसके बाद देखते हैं, और कोर्ट ने उसके बाद सारे स्टेट्स को एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा, जो कि एक अंडरटेकिंग था कि ये कब तक ये स्कीम अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करेंगे। और अंडरटेकिंग 4 वीक का टाइम दिया गया 25 नवंबर 2011 से। ठीक है, कई सारे बीच में सुनवाई भी हुई थी जिसके बाद ये सारी चीजें आई, लेकिन फाइनली एफिडेविट कोर्ट ने स्टेट से मांगा। और उसके बाद देखते हैं कि इस स्पेसिफिक ऑर्डर जो ये एफिडेविट का था उसके बाद भी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और लक्षद्वीप ने एफिडेविट फाइल नहीं किया। एफिडेविट किस चीज का था? एफिडेविट था कि एक स्पेसिफिक टाइम में जो कि 4 वीक था, इस टाइम में आपको जो टेंडर का प्रोसेस है जो आपने इनिशिएट किया है उसे कंप्लीट करना है। और ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है, जस्ट आप ये जो सेक्शन है ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जिन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किया था वो कई तरह के बहाने बना रहे थे। और बहाने किस टाइप के थे कि विंटर वैकेशन हो गया, जो नॉर्मली बच्चे बहाने बनाते हैं वो बहाने स्टेट बना रहे थे। तो इस टाइप की चीजें हो रही थी जो कि मेंशन नहीं करना है हमें, लेकिन जस्ट मैंने एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे रख दिया है। और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा कि वी फाइंड नो रीजन टू ग्रांट फर्दर टाइम टू दीज स्टेट्स, क्योंकि कोई जस्टिफाइबल ग्राउंड नहीं मिला कोर्ट को। लेकिन उसके बाद भी एफिडेविट फाइल करने का ये जो मैं बताता हूँ जस्टिफेबल ग्राउंड क्यों कह रहा है कोर्ट की उसे नहीं मिला, क्योंकि ये जो इन्होंने जो बहाने बनाए थे विंटर वैकेशन वगैरह, जब इनकी डेट मैच करी गई तो डेट मैच नहीं कर रही थी। सपोज उन्होंने बताया था कि विंटर वैकेशन 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वैसा था ही नहीं। तो मतलब एक तो बहाने बना रहे हैं और बहाने में भी गलती है, तो इस टाइप की चीजें हैं, कोई जस्टिफाइबल ग्राउंड नहीं था। जिसके बाद कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम और दिया और बताया कि यदि इस 2 हफ्ते में ये टेंडर प्रोसेस इनिशिएट करके कंप्लीट नहीं किया जाता है तो उस केस में 10,000 रुपए का फाइन सारे स्टेट को देना पड़ेगा जो भी ऐसा करने में असक्षम होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि There are states which have by large implemented the scheme and commenced the program for fixation of HSRP in their respective state. जिसको कुछ स्टेट ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने लाउड किया था, अपलॉड किया था इन सारे स्टेट्स को। वो स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड थे। वैसे आपको स्टेट्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि अपलोड किया गया था कोर्ट के द्वारा कुछ स्टेट्स को जिन्होंने ऑलरेडी ये काम कर लिया था। और इन्हें कोर्ट ने ये भी बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम 2012 30 अप्रैल तक आप ये कंप्लीट कर लें जो भी प्रोसेस आपने इनिशिएट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, 8 दिसंबर 2011 के लर्न्ड रजिस्ट्रार जुडिशियल 2 ने एक रिपोर्ट सबमिट करी और रिपोर्ट में जिन स्टेट्स ने एफिडेविट और अंडरटेकिंग फाइल नहीं करा था उनके ऊपर क्या डायरेक्शन लिए जाए वो सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो जिन्होंने टेंडर इनवाइट कर लिया है और आगे की प्रक्रिया यानी बिडिंग लेटर ऑफ इंटेंट जो जिनको टेंडर दिया गया है उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया है, उन्हें
कहा गया कि ये सारी प्रक्रिया आप जल्दी कंप्लीट करें। उन स्टेट्स का कुछ नाम भी यहाँ पे मेंशन है और जिनको भी 4 हफ्ते का टाइम दिया गया। कोर्ट ने काफी ज्यादा टाइम दिया है, बार बार फेल होने के बावजूद कोर्ट ने सारे स्टेट्स को टाइम दिया इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये बताया कि जो भी नहीं कर पा रहे हैं वो सारे 4 हफ्ते के अंदर ये कंप्लीट कर लें, ठीक है। और इसके बाद एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि इंस्टॉलेशन ऑफ HSRP स्टैट्यूटरी कमांड व्हिच इज नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बट आल्सो सर्व्स एज मच लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। और इसी वजह से कोर्ट ने ये कहा कि ये डिजायरेबल नहीं है, ये मैंडेटरी है हर स्टेट के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आपकी मर्जी होगी तो आप ये करेंगे, नहीं आपकी मर्जी है तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी स्टेट के सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, पब्लिक की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए है, इस वजह से ये मैंडेटरी है लगवाना। इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे कोई भी टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। आपने पहले मैंने बताया, जैसा कि आपने देखा कि ऑलरेडी कोर्ट ने कई बार फेल होने के बाद भी ये टाइम बढ़ाया है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो था, आंध्र प्रदेश ने उसके बाद भी विलफुल डिसऑबिडियंस किया कोर्ट के ऑर्डर का, और कोई भी जो एफिडेविट आंध्र प्रदेश ने दिया था उसके अनुसार कोई भी काम इंप्लीमेंट नहीं किए गए उनके स्टेट में, जिसकी बाद सो कॉज नोटिस इशू किया गया वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आंध्र प्रदेश के और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, और उनसे पूछा गया कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाया जाए, ठीक है। आप ये समझ रहे हैं, इतने टाइम के बाद भी आंध्र प्रदेश ने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया था, जिसके बाद उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और कमिश्नर को ये सो कॉज नोटिस दिया गया। अब देखते हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिन्होंने एफिडेविट फाइल तो किया था लेकिन उन्होंने पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में करना, जिसकी वजह और बाकी स्टेट के लिए कोई एफिडेविट भी नहीं था कि वो कब तक करेंगे। कोर्ट ने इसके बावजूद भी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी वेस्ट बंगाल को दिया और उन्होंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और कमिश्नर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वेस्ट बंगाल को रिस्पेक्टिव एफिडेविट फाइल करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया और साथ में ₹10,000 का फाइन भी लगाया। अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। तो इसमें कोर्ट ने ये बताया कि जो भी फाइन कोर्ट ने इम्पोज किया है वो सारे फाइन स्टेट गवर्नमेंट को पे करने हैं, और स्टेट गवर्नमेंट कैसे पे करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकवर करना पड़ेगा डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स से, ठीक है। डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स सबसे पहले जो कंसर्न्ड ऑफिसर है वो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड कमिश्नर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। इसके बाद जो भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स मिलते हैं इनके अंदर उनके अर्निंग से ये रिकवर किया जाएगा, ऐसा कोर्ट ने बताया। इसके बाद भी अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जिसने ना एफिडेविट फाइल करी और ना ही कोई इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर किया। इसके ऊपर फिर ₹10,000 का फाइन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया और उन्हें इम्प्लीमेंट करने इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर दिए, और ये इस पूरे केस में इतनी ही चीजें थी, ठीक है। और जिसके बाद ये रिट पिटीशन डिस्पोज किया गया, और जो भी हाई कोर्ट्स में भी इसके ऊपर जो रिट पिटीशंस जारी किए गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया कि इसके ऊपर जो रिट पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चला है उसको ध्यान में रखते हुए अपने जजमेंट को दें। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया वो हाई कोर्ट को मानना ही होता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसे बदल सकती है पर हाई कोर्ट उसे नहीं बदल सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था,
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल वाइज ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।